तो ये है आलू, और आलूओं में भी बुरी तरीके से पानी भरा पड़ा है, आप देख सकते हो। यही अपील है कि इन किसानों के लिए दुआ करें। तो दोस्तों आप लगा सकते हो अंदाजा कि तो दोस्तों आप देख सकते हो पानी इस पौधे में भी भरा पड़ा है, और ये मेंथा ऑयल के लिए हम पौधा लगाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, आपको जो नजारा दिखाने वाला हूँ आज, आप देखकर हैरान रह जाओगे। और हाँ दोस्तों, मेरे गांव में हो रही है इस समय बारिश, और बारिश का इतना बुरा हाल है, इस समय लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और खेतों में पानी भरा पड़ा है। तो ठीक है, लेके चलता हूँ मैं खेतों की तरफ, आइए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि खेतों का क्या बुरा हाल है, और इस समय बारिश भी हो रही है। भाई दोस्तों, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इन सभी खेतों में पानी भरा पड़ा है, और ये इधर देखिए धान है, इधर लिखा हुआ कैमरा, इधर ये धान है, और मैं पुलिया पर खड़ा हूँ और धान है, इन धानों में सब में पानी भरा पड़ा है। आप देख सकते हो कि किसान का कितना बुरा हाल होगा इस समय। ये देखिए धानों में पानी भरा पड़ा है और धान बिल्कुल बेकार हो गए। वहां पर देखिए लड़का पानी निकाल रहा है, पानी निकल सकता हूँ, देख सकते हैं आप कि ये पानी भरा पड़ा है, कितना बुरा हाल है, और मैं बुरी तरीके से भीग चुका हूँ। तो लेकर आइए भाई। ये देखिए धान है, ये धानों में सिर्फ पानी पानी भरा पड़ा, देखो ये देखो ये पानी भरा पड़ा धानों में, देखो ये। तो दोस्तों आप लगा सकते हो अंदाजा कि किसान कितनी मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करने के बाद आप देख सकते हो कि उसकी फसल किस तरीके से बर्बाद हो गई है। आपका पेट भरने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है, तो भाई किसान को मिलेगा क्या। कितने किसान पता नहीं इस मंजर को देख के आत्महत्या कर चुके हैं। और दूसरी ही फसल लग रही है इस समय आलू, धान की पल्ली साइड में आलू लग रहे हैं, आलूओं में इतनी बुरी तरीके से पानी भरा पड़ा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों 1500 रुपए का गट्टा है आलूओं का, और 1500 रुपए का गट्टा है एनपी का, और उसमें यूरिया लगता है, पोटाश लगती है, और बाकी रह गए अलग। तो आप इतनी मेहनत करने के बाद में, इतनी लागत लगाने के बाद में किसान के आलू डूबे पड़े हैं। कोई सा भी खेत ऐसा नहीं है जो आलू का खेत बच जाए। तो दोस्तों ये तो किसान की लाइफ है, और देख सकते हैं आप पानी भरा पड़ा, देखो पानी सब बह पड़े हैं, देखो पानी 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 भरा पड़ा ये सब। हाँ दोस्तों ये है आलू, और आलूओं में भी बुरी तरीके से पानी भरा पड़ा है, आप देख सकते हो कि गुले सारी डूब गई हैं और हल्की हल्की गुले चमक रही हैं। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हो कि किसान कितना डिप्रेशन में चले गया होगा। और ये आलू हैं, इनमें बहुत ज्यादा लागत लगती है, तो किसान करे तो क्या करे। ये सब आलू है, और दूसरी तरफ और इधर धानों का खेत है, धान भी सारे खेत डूब चुके हैं, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों आप इन किसानों के लिए जरूर प्रेयर करें, बारिश बंद हो जाए और इनकी फसल अच्छे तरीके से कट के इनको वापस मिल जाए। ये ना दूसरी साइड में पौधा है, और ये लगता पानी निकाल रहा है, फावी लगाया, ये नक्का लगाया, देखो ये नक्का लगाया है, और ये पौधा है, पौधे में भी सब पानी। तो दोस्तों आप देख सकते हो पानी इस पौधे में भी भरा पड़ा है, और ये मेंथा ऑयल के लिए हम पौधा लगाते हैं, और पौधे में पानी भरा पड़ा। दोस्तों ये भी खतरे में है, अगर इसका पानी अगर टाइम से पहले अगर नहीं निकाला तो ये भी बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ से नक्का लगा दिया है, ये लड़के ने फावी ले रखी है, और ये जा रहा पानी निकलता हुआ। उधर सामने खेत में पुराल है, आप देख सकते हो सामने वो एक ढेर वो है, और एक तीसरा ढेर वो है सामने, आप देख सकते हो। तो ये पुराल भी खराब हो चुकी है, क्योंकि हम ढोरों को चारा खवाते हैं, तो पूरे साल का चारा रहता है ढोरों का, तो वो चारा भी जो है बिल्कुल खराब हो चुका है। तो दोस्तों आप लगा सकते हो अंदाजा कि किसान की लाइफ कैसी होती है। इस समय बारिश हो रही है, इस बारिश में मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, और बीमार होने का भी मुझे जो है खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आपसे यही अपील है कि इन किसानों के लिए दुआ करें, बारिश बंद हो जाए और इनकी फसल सेफली बच जाए। दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर ही अंत कर रहा हूँ, और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मेरी भी फसल खराब पड़ी है।